हेलो एवरीवन, आपको क्या लग रहा है ये देख के कि मैंने क्या बनाया हुआ है? फ्रेंड्स, आज आपको इसको देख करके मुंह में पानी आ जाने वाला। और मैंने ये बनाई हुई इतनी हेल्दी रेसिपी जो बच्चे के हर कोई इसको खा सकता है, और आप जिसको जितने दिन चाहे इसको स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि अब सर्दी का सीजन आ गया है। और सर्दी में यदि खांसी जुकाम, खांसी ना हो तो कहाँ चलता है काम, क्योंकि अब हल्की हल्की ठंडी पड़ने लगी है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए आज ऐसी रेसिपी बनाई जाए जो खाने में भी इंजॉय हो जाए और यहाँ पर हमारा सेहत का भी ख्याल रखा जाए। तो यहाँ पर आज हम बनाने वाले हैं औला की दो ऐसी रेसिपी जो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, एक बार इसको आप जरूर देखिए। और आप इसको बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी आंवला। तो आंवला को आपको या तो भाप में पका लेना है या फिर इसको आप किसी पानी के बर्तन में पका लेना। बस इसको आपको पकाना है, और पकाने के बाद इसकी सारी जो गुठलियां हैं इसको हमें निकाल करके अलग कर लेना है। ये देखिए कितने आसानी से गुठलियां निकल जाएंगी। इस तरह से आंवले को हमें निकाल करके मिक्सी के जार में इसको बारीक पीस करके तैयार कर लेना है। फ्रेंड्स, ध्यान रखें जब भी इस रेसिपी को बनाएं तो आपको फ्रेश आंवला का ही इस्तेमाल करना है, और पीसते समय हमें कुछ भी नहीं डालना है, ना ही पानी ना ही दूध। और बस आपको इसको सारे मिश्रण को बारीक पीसने के बाद किसी भारी बर्तन की कढ़ाई में डाल देना है, और इसको हमें तब तक पकाना जब तक ये अच्छे से पक कर के तैयार ना हो जाए। इसके बाद हम यहाँ पर मीठे के लिए या तो मिश्री पाउडर ले लीजिए या फिर आप यहाँ पर पिसी हुई चीनी डाल दीजिए। इसके बाद जैसे चीनी यहाँ पर जाएगी तो हमारा जो मिश्रण होगा काफी गीला हो जाएगा, पर हमें इसको तब तक पकाना जब तक ये अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता है। अब हम बना रहे हैं सर्दी जुकाम के लिए, तो हमें यहाँ पर डाल देना है सौंठ पाउडर, जिसको अदरक पाउडर भी बोला जाता है, और यहाँ पर साथ में ही काली मिर्च पाउडर, कुछ नींबू का रस। यहाँ पर मैंने 1 किलो आंवला में आधा नींबू का रस इस्तेमाल किया ताकि ये खट्टी मीठी बन करके तैयार हो। इसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ले लेना है थोड़ा सा क्रीम। यदि क्रीम नहीं है तो इसकी जगह आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 छोटी चम्मच ही फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल किया ताकि जो हमारी ये जेली बने सॉफ्ट बन करके तैयार हो और ये बिल्कुल भी हार्ड ना बने। इसके बाद हम इसको कम से कम 2 मिनट तक बराबर पकाएंगे जब तक इसमें अच्छा सा कलर नहीं आ जाता है। इसके बाद इसमें हम जरा सा घी डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच, और हम इसको पकाते जाएंगे। आप धीरे धीरे देखेंगे कि इसमें हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो जाएगा। गैस को हम तेज रखेंगे और यहाँ पर हम इसको कम से कम 2 मिनट तक बराबर फ्रेंड्स पकाते रहेंगे। आप इसको चाहें तो किसी बर्तन में थोड़ा सा निकाल करके चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कढ़ाई को छोड़ना इसने स्टार्ट कर दिया, तो समझ जाइए कि एकदम ये परफेक्ट बनने के लिए तैयार है। आप किसी बर्तन में आप बटर पेपर ले लीजिए, थोड़ा सा वहाँ पे घी लगा दीजिए और सारे मिश्रण को फैला दीजिए। यहाँ पर प्लेन करने के बाद फ्रेंड्स इसको 4-5 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है। इसके बाद हम इसको पलटेंगे, बटर पेपर को निकालेंगे, और आप ये देखिए कितना अच्छा ये हमारा बनकर के तैयार हो गया। अब आप इसको जेली के रूप में काट लीजिए या फिर आप टॉफी के जैसे भी आपको पीस पसंद हो उस तरह से काट करके तैयार कर लीजिए। थोड़ा सा ऊपर से आप इसी हुई चीनी डाल दीजिए, छोटे छोटे से पीस काट करके किसी भी कंटेनर में भर करके रख लीजिए। तो ये आपकी बहुत ही हेल्दी टेस्टी सर्दी स्पेशल कैंडी बन करके तैयार हो चुकी है। किसी को भी सर्दी जुकाम हो बस एक खाइए और आप स्वस्थ रहिए। तो ये तो रही हमारी पहली रेसिपी। अब हमें क्या करना, पिसे हुए आंवला में यहाँ पर चीनी डाल देना है, थोड़ा सा अदरक का पाउडर डाल देना है, थोड़ा सा गरी का बुरादा डालना है, घी डालना है, और इसको तब तक पकाना जब तक ये अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता है। आप चाहें तो इसमें फ्रेंड्स खोया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सारे मिश्रण को हमें किसी बर्तन में पलट लेना है। ढेर सारे यहाँ पर ड्राई फ्रूट डालेंगे, काजू, पिस्ता, बादाम, साथ में ही थोड़ा सा मिल्क पाउडर और ढेर सारा गरी का बुरादा, और इसको तब तक ठंडा करेंगे जब तक ये अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता है। ठंडा होने के बाद बस आपको इसको उठाना है और इसकी बॉल्स बना करके तैयार कर लेना है। तो ये रेसिपी आज हम दोनों ने मिलकर के बनाई हुई थी, क्योंकि इन्हें ये लड्डू पसंद है, मुझे कैंडी पसंद है। अब क्या आप ड्राई फ्रूट के ऊपर इसको मिक्स कीजिए और बस इसके लड्डू बना करके तैयार कर लीजिए। थोड़ा सा पिसी हुई चीनी जरूर डाल लीजिए। तो ये हमारे बहुत ही हेल्दी टेस्टी आंवला लड्डू बन करके फ्रेंड्स तैयार हो गए हैं। तो इसमें से आपको जो रेसिपी पसंद आई हो फ्रेंड्स बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए।